मेरे परिवारजनों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को लेकर जिस तरह का घनघोर गुस्सा है, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजस्थान के युवा कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। राजस्थान के किसान, राजस्थान के पशुपालक कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्थान के दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। ये लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और राजस्थान में जो थोड़ा बहुत बच गया है, उस राजस्थान को भी मुक्ति दिलाने का संकल्प लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और मैं तो हैरान हूं, इस चुनाव का प्रभाव मैं बच्चों के मन पे देख रहा हूं। मैं पिछले दो चार दिन में सोशल मीडिया पे मुझे कुछ लोगों ने बच्चों के वीडियो भेजे हैं। राजस्थान की छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, और वीडियो में ये बच्चे कह रहे हैं, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। बच्चे, और जब बच्चों में ये भाव, और शायद सैकड़ों वीडियो चलते होंगे, ये साफ बता रहा है कि बच्चे भी अपना भविष्य कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। राजस्थान के लोग इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के राज में सिर्फ तबाही देखी। कांग्रेस राजस्थान को फिर से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, राजस्थान की जनता को वो भूल गए। कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं, वो भी आपसे छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन एक घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार ना सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी, बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी।